देश में ठंड का सितम जारी है। आलम यह है कि 50 डिग्री तक का तापमान सहन करने वाला राजस्थान -6 डिग्री तापमान से ठिठुर रहा है। शिमला नैनीताल से ज्यादा सर्दी दिल्ली में पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। घने कोहरे के कारण सुबह विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई। दिल्ली में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कानपुर में रात का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होगी। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 30 उड़ानें और दिल्ली पहुंचने वाली कम से कम 26 ट्रेनों में देरी हुई है।